फ्रेंड्स, मैं सुनीता अग्रवाल। मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसिपी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आजकल सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में सभी ड्राई फ्रूट के लड्डू अपने अपने तरीके से बनाते हैं। आज मैं आपको जिस तरीके से बनाना बताऊंगी, बनाना तो आसान है ये, और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और ये अनेक रोगों में भी बहुत ही ज़्यादा फायदा करते हैं, जैसे जोड़ों का दर्द, बदन दर्द, सिर दर्द, माइग्रेन, कमर दर्द, खून की कमी, थकान, कमजोरी आदि रोगों में ये बहुत ही ज़्यादा फायदा करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाने के लिए ये हमने कुछ ड्राई फ्रूट लिए। ड्राई फ्रूट में अखरोट, बादाम, काजू, गोंद 50-50 ग्राम लिया है। 200 ग्राम हमने ये छुआरे लिए हैं। ये सभी ड्राई फ्रूट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो चलिए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। अब जो हमने छुआरे लिए उसका हम ये ऊपर वाला पोर्शन निकाल देते और इसे हम कॉटन के कपड़े पर रख देते और इस तरीके से हम इसके छोटे पीस कर लेते हैं। और इसके अंदर जो गुठली है उसे निकाल देते। देखिए, हम इस तरीके से इसके छोटे पीस कर लेंगे जिससे कि हमें छुआरों को पीसने में आसानी रहेगी। इस तरह हम सभी छुआरों को तोड़ लेते। ये हमने सभी छुआरों को तोड़ लिया है। अब जो हमने गोंद लिया था उसे भी हमने मिक्सी से पीस लिया है। चलिए अब लड्डू बनाना शुरू करते। लड्डू बनाने के लिए ये हमने 200 ग्राम घी लिया है। अब हम इसमें से 2 चम्मच घी हम पैन में डाल देते। घी को गर्म होने देते। घी गर्म हो गया है, जो हमने बादाम लिए थे वो हम इसके अंदर डाल देते। अब बादाम को स्लो मीडियम फ्लेम पे हल्का सा भून लेते। बादाम भुनने शुरू हो गए हैं, इसी में हम काजू डाल देते। ये जो हमने अखरोट लिए थे वो भी डाल देते और सभी चीजों को हल्के गोल्डन कलर का होने तक भून लेते। आप चाहे तो सभी चीजों को अलग अलग भी भून सकते हैं, लेकिन अलग अलग भूनने से टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। अगर हम इस तरीके से सभी चीजों को डाल के भूनेंगे तो टाइम कम लगेगा। अब ये सभी ड्राई फ्रूट भुन गए और हल्के गोल्डन कलर के हो गए। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमने सभी ड्राई फ्रूट को निकाल लिया है। अब पैन में जो घी बचा है उसमें हम 250 ग्राम नारियल लिया है, जिसे छोटे पीस में काट लिया है, वो हम इस पैन में डाल देते। ये नारियल 2 कप के करीब है। अब नारियल को भी हल्का गोल्डन कलर का होने तक भून लेते। ये सभी ड्राई फ्रूट हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं और ये सभी ड्राई फ्रूट हमें सर्दियों में ज़रूर खाने चाहिए। ड्राई फ्रूट को आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, या जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। अब ये नारियल भी भुन गया है, अब इसे भी हम इसी प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमने सभी नारियल को निकाल लिया है। अब पैन में जो घी बचा है उसी में हम इन छुआरों को भी डाल देते हैं। और छुआरों को भी हम लगातार चलाते हुए 1 मिनट करीब भून लेते हैं। अब 1 मिनट करीब हो गया है, अब ये खजूर भी भुन गए। हम इस तरीके से सभी ड्राई फ्रूट को भून करके लड्डू बनाते हैं तो लड्डू की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अब इनको भी हम उसी प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमने सभी खजूर को निकाल लिया है। अब इस पैन में 2 चम्मच घी डाल देते। अब इसके अंदर हम 2 कप मखाने डाल देते, ये 20 ग्राम के करीब है। और मखानों को भी लगातार चलाते हुए क्रिस्पी होने तक भून लेते। अब ये मखाने भी भुन गए हैं, अब हम इनको चेक कर लेते। देखिए, हम मखानों को तोड़ रहे हैं तो ये इजीली टूट रहे हैं, इसका मतलब ये क्रिस्पी हो गए हैं। अब इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेते। ये हमने मखान
मसालों को भी निकाल लिया है। अब हम सभी ड्राई फ्रूट को ठंडा होने देते हैं। ये हमने 300 ग्राम गुड़ लिया है जिसे हमने छोटे पीस में तोड़ लिया है। अब ये ड्राई फ्रूट भी ठंडे हो गए हैं। ये हमने मिक्सी का जार लिया है। अब इसके अंदर हम थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट डाल करके मिक्सी में दरदरा पीस लेते हैं। और इसी में हम थोड़े से मखाने डाल देंगे और सभी ड्राई फ्रूट को हम मिक्सी में दरदरा पीस लेते हैं। ये हमने ड्राई फ्रूट को मिक्सी में दरदरा पीस लिया है। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए, हमें इस टाइप के दरदरे पिसे हुए ड्राई फ्रूट चाहिए। अब ड्राई फ्रूट को हम इस बॉल में डाल देते हैं। इस तरीके से हम सभी ड्राई फ्रूट पीस के तैयार कर लेंगे। ये हमने सभी ड्राई फ्रूट को पीस लिया है। अब जो इस बॉल में घी बचा है उसमें से हम 2 चम्मच घी छोड़ देते हैं, बाकी सब इसी पैन में डाल देते हैं। और इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। ये हमने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये 125 ग्राम के करीब है। अब इस आटे को घी के अंदर अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब ये आटा अच्छे से मिक्स हो गया है। इसे हम स्लो मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए गोल्डन कलर का होने तक भून लेते हैं। आटे को लगातार चलाते हुए भूनना है जिससे कि आटा नीचे तली में ना लगे। अब ये आटा भी भुन गया है और हल्के गोल्डन कलर का हो गया है। ये जो हमने गोंद को पीसा था उसे हम इसके अंदर ही डाल देते हैं और गोंद को भी आटे के साथ भून लेते हैं। आप देख पा रहे हैं गोंद फूलने लगा है। अब इस आटे को 1 मिनट करीब और भून लेते हैं। 1 मिनट करीब हो गया है। अब ये आटा भी भुन गया है। आप देख पा रहे हैं आटे का कलर भी चेंज हो गया है और इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आटे को आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा भी भून सकते हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। हमने जो आटा भूना था उसे भी हम इसी ड्राई फ्रूट में डाल देते हैं। आटे को मिक्स कर देते हैं। ये लड्डू बनाना बहुत आसान है, झटपट बनके तैयार हो जाते हैं और ये खाने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप भी इन्हें एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। ये हमने आटे को भी ड्राई फ्रूट में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसी पैन में हम गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं। अब जो घी बचा था उसे हम इसी में डाल देते हैं। अब जो गुड़ लिया था उसे भी डाल देते हैं। अब इस गुड़ को स्लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए मेल्ट कर लेते हैं। हमें इसे स्लो फ्लेम पे ही मेल्ट करना है जिससे कि ये हार्ड ना हो जाए। अगर हम तेज फ्लेम पे इसे मेल्ट करेंगे तो गुड़ हार्ड हो जाएगा, उसकी वजह से लड्डू भी हार्ड बनेंगे। आप देख पा रहे हैं गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है। हमें सिर्फ गुड़ को मेल्ट ही करना है, चाशनी नहीं बनानी है। अब ये गुड़ भी मेल्ट हो गया है। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब इस गुड़ को इसी बॉल में डाल देते हैं। गुड़ को मिक्स कर देते हैं। हमें इसे हाथ से नहीं मिक्स करना क्योंकि अभी ये गुड़ काफी गर्म है। ये हमने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। चलिए अब हम लड्डू बना लेते हैं। लड्डू बनाने के लिए थोड़ा सा मिश्रण हम हाथ में ले लेते हैं और इस तरीके से हम लड्डू बना लेते हैं। लड्डू का साइज आप अपने हिसाब से थोड़ा सा छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। हम मीडियम साइज के लड्डू बना रहे हैं। इस तरीके से हम लड्डू को गोल कर लेते हैं। देखिए ये लड्डू बनके तैयार हो गया है। इस तरीके से हम सभी लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। ये हमने सभी लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। अब मैं आपको पासे भी दिखा देती हूँ। देखिए कितने बढ़िया लड्डू बने। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। मैंने अपने चैनल पर काफी तरह की लड्डू की रेसिपी डाली हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। उनको काफी पसंद भी किया गया है। कितने सॉफ्ट और टेस्टी लड्डू बनके तैयार हुए हैं। आप भी इन्हें एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। बने ना कितने सॉफ्ट।
आप इन्हें किसी भी एयरटाइट डब्बे में भर के रख लें और पूरी सर्दी एंजॉय करें। ये लड्डू बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। तो आप मुझे कमेंट्स करके ये जरूर बताइए कि आप इन्हें कब बना रहे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।